जय श्री राम। मित्रों, कल से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। महाराष्ट्र में जैसी की परंपरा है, स्थान के अनुसार जो शुभ मुहूर्त हैं वो थोड़े बदल जाते हैं। कल 6:25 से सुबह 10:35 तक अभिजीत मुहूर्त है। इस दौरान माँ की स्थापना काफ़ी शुभदायक है। अब माँ की कलश की स्थापना, मूर्ति की स्थापना करने की जो विधि है, परंपरा है, वस्तुएं हैं, तो सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से माँ की स्थापना की तैयारी करनी चाहिए। जिस जगह पर माँ को स्थापित करना है, अगर आप पक्के घर में रहते हैं तो उस स्थान को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए, और जिस आसन पर माँ की स्थापना करनी है उस स्थान पर भी गोमूत्र को 2-4 बूंद डाल लेना चाहिए। तत्पश्चात पाटा, आसन, चौकी, मूर्ति के अनुसार जिस चीज़ को आप रखते हो वो रख करके, और उसके ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा बिछा देना चाहिए। जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उसमें मुख्य रूप से हल्दी, चंदन, कुंकू, रक्षा, रोली, अक्षत, पुष्प, घी, धूप, नैवेद्य में खास करके माँ को मिष्ठान बहुत प्रिय है। 5 प्रकार के फल, संभव हो तो 5 प्रकार के मिष्ठान, और सिंदूर कलश में डालने के लिए नीम की पत्ती अवश्य रखें, क्योंकि माँ को नीम की पत्ती बहुत पसंद है, वो शीतलता प्रदान करती है। आम का 5, 7, 9, 11, 13 पत्तियों वाला तल्लो। कलश को पहले ही तैयार कर लेना चाहिए। कलश के गले में रक्षा सूत्र बांध करके उस पर स्वस्तिक बना लेना चाहिए, और कलश के अंदर हल्दी, कुमकुम, चंदन, रक्षा, अक्षत, पान, लवंग, इलायची, सुपारी और द्रव्य, इन सब चीज़ों को डालकर उसके ऊपर आम का जो टल्लो है वो रखना चाहिए, और उसके ऊपर एक नारियल को रख देना चाहिए। नारियल को भी अच्छी तरह से सजा लेना चाहिए वस्त्र वगैरह से, और माँ के सामने या दाई तरफ कलश को स्थापित करना चाहिए। सारी वस्तुओं को इकट्ठा करने के बाद स्नान करके और पूजा के स्थान पर स्वच्छ साफ कपड़े पहनकर बैठना चाहिए, और सबसे पहले मन और शरीर दोनों को पवित्र करना चाहिए। पवित्रीकरण में सबसे पहले आप बाएं हाथ में पानी रखकर
और दाहिने हाथ से अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यह स्मरेत पुनरीकाक्ष सवाय भयंतरम शुचि भव। पुनरीकाक्ष पुनात। भगवान पुनरीकाक्ष का केवल नाम ले लेने से जो शरीर है वह पवित्र हो जाता है। पुनात 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 पवित्र कीजिए। पुनरीकाक्ष से हम ये प्रार्थना करते हैं। इसके बाद हाथ धो लेते हैं, फिर आचमनी करते हैं। आचमनी या तो माँ को स्मरण करके या तो ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः तीन बार कह करके पानी को दाहिने हाथ से मुंह में पान कर लेना चाहिए, पी लेना चाहिए। तत्पश्चात अपने माथे पर चंदन लगाना चाहिए और उसके साथ अक्षत लगाना चाहिए। तत्पश्चात रक्षा सूत्र बांध लेना चाहिए और तब आपका शरीर तैयार हो जाता है पूजन के लिए। माँ की जो मूर्ति आपको स्थापित करना है वह अपने पास पहले रखिए और फिर उनका ध्यान करिए। ध्यान के लिए अगर आपको मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो माँ के स्वरूप का अपने मन में एक चित्र बनाइए और उन्हीं का ध्यान कीजिए। अष्ट दुर्गा, आठ भुजाओं वाली, जिनकी आँखें बड़ी बड़ी हैं, कनक के समान शरीर है, पर्वताकार हैं और हर जगह उपस्थित रहने वाली हैं, ऐसे एक सुंदर माँ की तस्वीर अपने आँखों के सामने खींचिए और तत्पश्चात उनका आवाहन कीजिए। आवाहन में अगर आपको मंत्र नहीं आता, आता है तो आवाहन मंत्र से कीजिए, अगर नहीं आता है तब आप हे माते जब तक मैं पूजन करती हूँ उस दौरान आपका मैं आवाहन करती हूँ, आपको बुलाती हूँ और आप तब तक यहाँ इस आसन पर स्थिर होइए जब तक मैं पूजन का कार्य हवन का कार्य करता रहूँगा। और यह कह कर के आप ये भाव अपने मन में लाइए कि माता हमारे घर आ गई हैं, बैठ गई हैं। इसके बाद शुरू होती है पूजन विधि। पूजन विधि में भी अगर आपको मंत्र आते हैं तो मंत्रों का उच्चार करते हुए उनकी स्थापना कीजिए। अगर मंत्र नहीं आते हैं तो जितने उपचार से आप करना चाहती हैं, आपने जब माँ को बुलाया तो सबसे पहले घर में आने के बाद हम उनका पैर धोते हैं। पाद्यम समर्पयामि, पानी उनके पैरों पर डाल करके और फिर ये सोचिए कि माँ का पैर हमने धोया। फिर हस्तो प्रक्षालयामि, माँ के जो हाथ हैं उन हाथों को धोते हैं, प्रक्षालित करते हैं। फिर आचमनीयम समर्पयामि, उन्हें पीने के लिए जल देते हैं, पानी देते हैं। इसके बाद उन्हें हम स्नान कराते हैं। स्नान में शोधोदक स्नान, दुग्ध स्नान, दही स्नान, मधु स्नान, गंगा जल स्नान, गंधोदक स्नान, चंदन स्नान, इत्र स्नान और उस सजल से स्नान कराते हैं। हर पदार्थ से स्नान कराने के बाद तुरंत उन्हें हम शुद्धोदक स्नान भी कराते हैं और हर बार जो है उन्हें पानी पीने के लिए भी देते हैं।
स्नान कराने के बाद फिर उन्हें हम उस स्थान पर बिठा देते हैं जहाँ से उन्हें 9 दिन तक हमें हिलाना नहीं है। फिर उन्हें हम वस्त्र देते हैं, अलंकार देते हैं, फिर धूप दीप नैवेद्य फल सब समर्पित करते हैं और उसके पश्चात एक चीज हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि माँ की जब हम पूजा करते हैं तो साथ में गणेश गौरी और नवग्रह शंख घंटी इन सब चीज़ों को भी यथास्थान आसन पर स्थान दें और सबका आवाहन पूजन आदि करें। इस तरह से जब आप पूजा कर लेते हैं, स्थापना कर लेते हैं, इसके बाद जो पाठ करना है, पाठ में हम सीधे पाठ नहीं शुरू करते हैं। दुर्गा कवचम है, सिद्धि कुंज का स्तोत्रम है, न्यास है और अर्गला स्तोत्र है। अर्गला स्तोत्र बहुत ही आवश्यक होता है। अर्गला स्तोत्र जो हमारे कुशलता के लिए है। इन सब को करने के बाद कुल सप्तशती पाठ में 13 पाठ हैं। अगर संभव हो तो पूरे 13 पाठ रोज किए जाएं, 13 अध्याय रोज किए जाएं। नहीं तो ऐसा प्रचलन है कि 2-2 अध्याय रोज किया जाए। प्रथम, अंतिम, द्वितीय, द्वितीय अंतिम, तृतीय, तृतीय अंतिम और 7वें दिन जो 7वां अध्याय है उसे 2 बार किया जाए। इस तरह से 7 दिन में जो 13 अध्याय हैं उन सबको पूरा करना चाहिए। माँ के जो 108 नाम हैं संभव हो तो उसे रोज करना चाहिए। ऐसा करने से माँ निश्चित रूप से प्रसन्न होती हैं। स्थापना के बाद आरती करनी चाहिए, फिर शाम को भी आरती करनी चाहिए। ये क्रिया प्रतिदिन सुबह और शाम उनकी आरती विविध आरतियों से 2-3 बहुत ही प्रचलित हैं। अम्बे तू है जगदम्बे दुर्गे, ये जो एक वो है, दूसरी है कि ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय मंगल मूर्ति मैया, जय आनंद करणी। इनमें से जो भी और साथ में गणेश गौरी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा, ऐसे रोज सुबह शाम उनका पूजन करें, अर्चन करें, आरती करें। और जितने दिनों का आपने संकल्प लिया है, क्योंकि पूजा से पहले हम जब पवित्र हो जाते हैं तो संकल्प लिया जाता है कि आप अष्टमी कर रहे हैं, नवमी कर रहे हैं, माँ की प्रीति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए। तो जो आपने संकल्प किया है अष्टमी के लिए, नवमी के लिए, अगर संभव हो तो आप पूरे 9 दिन तक व्रत रहें या पहले और 8वें दिन तक रहें। अगर संभव नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं, आपका क्षमता नहीं है, तो आप फलाहार लेकर के या सात्विक भोजन ग्रहण करके भी माँ का पूजन कर सकते हैं। अगर आप अष्टमी करते हैं तो 8वें दिन आप हवन करें, कन्याओं को खिलाएं, नौ कन्याओं को, उनके जो नौ रूप हैं शैलपुत्री से लेकर के सिद्धिदात्री तक, उनका स्मरण करते हुए, या अगर
आप नवरात्रि करते हैं तो नौवें दिन आप उनका हवन करें और शुद्ध मन से अच्छे भाव से यह पूजन करें, व्रत करें और जो आपकी मनोकामना है माँ से रोज कहते रहें। इससे माँ प्रसन्न होंगी, आपको वरदान देंगी, यह निश्चित है। ओम जय अम्बे गौरी भैया, जय मंगल भैया, ओम।